यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, हर भारतीय के मन में अपने देश प्रेम की बहुत भावना होती है। कहते हैं कि एक हमारी खुद की माँ होती है जो हमें पाल पोस कर प्रवस्त कर इतना बड़ा बनाती है और हमारी परवरिश करती है, लेकिन दूसरी माँ हमारी धरती माँ होती है। और अगर बात करें भारत की माँ के बेटों के, यानी कि जो हमारी खुद की माँ है, जिनके सपूत हैं, वो जाकर अपनी माँ के लिए यानी धरती माँ के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देते, लेकिन जो देश के जवान हैं, जो देश के सैनिक हैं, वो हंसते हंसते अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी धरती माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, बलिदान दे देते हैं। और उन्हीं जवानों में से एक जवान एक लाल हरियाणा का भी था, जिसने हाल ही में अपने प्राणों की आहुति दे दी सिर्फ देश की रक्षा के लिए। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम के पटौदी से कैप्टन कपिल कुंडू, जो कि सिर्फ 22 साल के थे, लेकिन उनका हौसला, उनका हुनर बेहद बुलंद था। उनके पंखों ने वो उड़ान भरी थी जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महज 22 साल की उम्र में उस कैप्टन के, उस हरियाणा के लाल के, इस धरती माँ के सपूत के हौसले बेहद बुलंद थे। वो देश के लिए कुछ भी कर सकता था, कह सकते हैं कि बचपन से ही उसमें वो भावना थी। लेकिन आज उसी कैप्टन कपिल कुंडू का जन्मदिन है। आपको बता दूं, पिछले दिनों 5 फरवरी की ये बात है जब इस देश के लाल ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, और आज के दिन वो अपने घर वापस आने वाला था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। आज कैप्टन पूरे 23 साल का हो जाता। और आपको बता दूं कि उन्होंने घर वापसी के लिए अपनी टिकट तक बुक करा दी थी। कैप्टन के परिवार की अगर बात की जाए तो कैप्टन के परिवार में उनकी माँ और उनकी दो बहनें थी, तो दो बहनों का इकलौता भाई था। बहनों की माने तो भाई जो था बहुत ही चुलबुला था और सबसे घुलने मिलने वाला, या फिर कहें कि मिलनसार था, लेकिन उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उस 22 साल के लड़के में इतना हुनर है, उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो वक्त आने पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा। लेकिन उसने ऐसा ही किया। जब देश को उसकी ज़रूरत थी तो उसने हंसते हंसते सरहद पर जाकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आज उसी कैप्टन का जन्मदिन है। पूरा देश उनकी शहादत पर गर्व कर रहा है। आज के दिन कैप्टन कपिल कुंडू को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और आपको और हमें, साथ ही साथ पूरे देश को कैप्टन की शहादत पर गर्व है, उनके बुलंद हौसलों पर गर्व है। और एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने एक छोटी उम्र में कही थी कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कविता का शौक रखते थे और लिखते भी बहुत अच्छा थे। और इसी में एक उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत समझदारी वाली बात कही कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने वो बड़ा कर दिखाया जो आज सभी याद करते हैं। लेकिन आज की तारीख, जिस दिन कैप्टन कपिल कुंडू का जन्मदिन है, एक और हादसा होता है, एक और आतंकी हमला होता है। जम्मू पठानकोट के सजवान में आर्मी कैंप पर हमला किया जाता है आतंकियों की ओर से, दो जवान और शहीद हो जाते हैं। सोचने वाली बात है कि भारतीय सेना की बात की जाए, भारतीय जवानों की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, तो वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है, वो अपनी हरकतों से बाज कब आएगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा में स्वर गूंजते नजर आए जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक और भारतीय जो जवान है वो सरहद पर सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आतंकी हमला जब करते हैं तो वो डटकर सबकी रक्षा के लिए सीना चौड़ा कर आगे आते हैं, वक्त आने पर शहीद हो जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस तरीके की अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से बिल्कुल परे नहीं हटता। लेकिन आप और हम अपने देश के जवानों पर, अपने देश के वीरों पर, उनकी शहादत पर हमेशा गर्व करते थे, गर्व करते हैं और गर्व करते भी रहेंगे। लेकिन आपसे एक अपील है, जो देश के जवान हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों के लिए कुछ समय निकालें, क्योंकि उनकी शहादत पर हम गर्व ज़रूर करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन परिवार की जो माँ है अपने लाल को हंसते हंसते उनकी जान की कुर्बानी देने के लिए आगे बॉर्डर पर, सरहद पर भेजती है, और उनके जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। लेकिन आज उन माओं के सपूत नहीं रहे हैं, वो उनके पास नहीं है, तो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन परिवारों के लिए कुछ वक्त निकालें, हो सके तो कुछ आर्थिक मदद उनके लिए कर दें, क्योंकि हम और आप अगर आज यहाँ पर सुरक्षित हैं, चैन और अमन में रह रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, तो सिर्फ उन वीरों की वजह से, उन जवानों की वजह से और उन शहीदों की शहादत की वजह से है।